गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द न्यू वर्ड्स ऑफ लेसन 5 एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट वर्ड इज स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट, मुस्कान। सेकेंड रिंकल, रिंकल्स में सिकुड़न, रेखा। थर्ड सीक्रेट, रहस्य, भेद। फोर्थ इज फनी, फनी का मतलब होता है मज़ेदार। फिफ्थ इज हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह। द क्वेश्चन आंसर इन दिस लेसन इज वाई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। स्माइल एक मज़ेदार चीज़ क्यों होती है? द आंसर इज ए स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस। स्माइल जो है वो फनी थिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे चेहरे पर सिकुड़न ला देती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन। क्या होता है जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो? द आंसर इज व्हेन वी स्माइल एट समवन ही स्माइल्स एट अस। तो इसका आंसर होगा कि जब हम किसी को देखकर स्माइल करते हैं तो वो भी हमें देखकर स्माइल करता है। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 40 पे। 40 का जो ये पहला टॉपिक है लेट्स रीड। तो लेट्स रीड में ये कह रहा है कि आपको इस सेंटेंस को रीड करना है और इसका मीनिंग समझना है। तो पहला सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। मेरी दादी माँ के चेहरे पर काफ़ी सारी सिकुड़ने हैं, झुर्रियाँ हैं, ठीक है। सेकेंड इज सेल आई टेल यू ए सीक्रेट। क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊँ, एक रहस्य बताऊँ? तो रीडिंग इज फन हमने पहले ही कर लिया है। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स लिसन टू ए जोक। हम लोग एक जोक को लिसन करेंगे, मतलब कि सुनेंगे, देखेंगे। द जोक इज आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 rupees टू सी द लायन जंप द ट्रीज। तो मैंने अपनी माँ से 20 rupees मांगे एक शेर को देखने के लिए जो कि पेड़ों पर जंप करता था, मतलब उछलता था। ही जंप्ड सो हाई ही टच द मून एंड नेवर कैम बैक टिल द एंड ऑफ जून। तो वो जो लायन था वो इतनी ज़ोर से उछलता था कि वो चांद तक पहुंच जाता था। एंड नेवर कम बैक टिल द एंड ऑफ जून, और वो जून के ख़त्म होने तक वापस लौट कर नहीं आता था। तो इस तरह से ये जोक दिया हुआ यहाँ पे, और इसको कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ। क्या आप भी जोक बना सकते हो, मतलब कि एक मजाक कर सकते हो ताकि सब लोग हंसे, मतलब सब लोग खुश हो जाएं? से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो आप जो जोक लिखोगे उसको पहले अपने भाषा में लिखना है, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डन इट, डू इट योर सेल्फ, ओके। एंड नाउ वी विल कम टू द पेज, नेक्स्ट पेज नंबर। दिस इज पेज नंबर 41। हियर द टॉपिक से अलॉट। देर आर 4 कॉलम्स एंड इन ईच कॉलम देर आर 3 वर्ड्स। यू हैव टू रीड आउट इट। इन फर्स्ट कॉलम द वर्ड इज ट्रंक, संक, जंक। सेकेंड सिंक, थिंक, पिंक। थर्ड इज व्रिंकल, व्रिगल, राइट। फोर्थ वरी, वर्क, वंडरफुल। नाउ व्हेन वी रीड डब्ल्यू इन कॉलम 3 इट हैज़ नो साउंड। और जब हम कॉलम 3 में डब्ल्यू को रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो इसका साउंड नहीं आता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्रिंकल, व्रिंकल में डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। व्रिगल, व्रिगल में भी डब्ल्यू साइलेंट रहता है। थर्ड इज राइट, राइट में भी डब्ल्यू साइलेंट रहता है। लुक एट द वर्ड टॉक, हियर एल इज साइलेंट। अब हम टॉक वर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे एल साइलेंट है। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। तो आपको इन सारे वर्ड्स में जो साइलेंट लेटर हैं उसको लाउडली बोलना है। तो वॉक में क्या साइलेंट है? एल साइलेंट है। मोर में ई साइलेंट है। रैप में डब्ल्यू साइलेंट है। जोक में ई साइलेंट है। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइम्स विथ माई। कैन यू फिल द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सारे वर्ड्स में एक आई साउंड आता है जो कि माई से राइम करता है, ठीक है। एक आई आता है जो कि माई से राइम करता है, तो आपको वो आई को फिल करना है इसमें। देखिए जैसे एस एम आई एल ई, स्माइल हो गया ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस एम आई एल ई, स्माइल लिख देंगे के आई टी, काइट लिख देंगे एम आई सी, माइस लिख देंगे एल आई, यानी लाइन लिख देंगे। तो ये जो है सारा माई से राइम हो रहा है, ठीक है। माई स्माइल, काइट माई, माइस माई, लाइन लाइन माई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका रिडल टाइम। ये एक पहेली है। तो पहेली क्या है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। जो यहाँ पे आपको सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड यानी सबसे लंबी तूड़ी वाला जो शब्द होता है इंग्लिश में वो कौन सा है वो बताना है। तो इसका आंसर भी देख रहे हैं आपकी यहाँ पे दिया हुआ है। स्माइल्स बिकॉज देयर इज़
ए माइल बिटवीन द टू एसेस. यहाँ पे जो स्माइल्स में दो एस लिखे हैं, पहला लेटर एस है और एक लास्ट लेटर एस है, तो इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, माइल. माइल का मतलब होता है एक कोस की दूरी, मतलब कि माइल एक लॉन्ग डिस्टेंस है जो कि दो वर्ड दो लेटर्स के बीच में है. तो यहाँ पे ये एक पहेली थी जो कि जिसका कि आंसर होगा स्माइल्स. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग आज पेज नंबर 40 and 41 किया, और नेक्स्ट पेज नंबर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए आप लोग इसके रीडिंग इज फन के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे और इसका न्यू वर्ड्स लिख लेंगे होमवर्क में. और इन सारे ये जो मैंने 41 में करवाया है इसको भी आप फिल कर लेंगे बुक में, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.